माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होती हैं जिसको वो मीटअप नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ट्विन प्रेगनेंसी वाली जो मदर होती हैं शी एंड्स अप इन द अनीमिया, और उसके बाद अनीमिया की वजह से जो होने वाली कॉम्प्लिकेशन है खून का ज़्यादा पड़ना और ये चीज़ें हो सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नायला गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। मैं वक्तन फ़वक्तन आपकी एजुकेशन, अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियोस लेके आती रहती हूं। कभी कभार थोड़ी लेट भी हो जाती है मसरूफियत के लिए, उसके लिए माजरत। तो आज हमने बात करनी है अपनी, एक हमने सीरीज़ शुरू की हुई थी ट्विन प्रेगनेंसी के ऊपर कि ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बताती चलूँगी, जो ट्विन प्रेगनेंसी है वो बेसिकली हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। उसकी वजह क्या है, जो कि फीमेल, जो ह्यूमन फीमेल है, जो ह्यूमन बींग्स की जो फीमेल है, उनकी यूट्रस मेंट फॉर मोनोफीटस, यानी एक फीटस के लिए बनी हुई है। तो जब उसके अंदर ट्विन या ट्रिपलेट या क्वाड्रिपलेट, यानी कि एक, दो या तीन या चार बच्चे आ जाते हैं, तो वो हाई रिस्क हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कंपटीशन होता है फॉर फूड, यानी कि ब्लड सप्लाई का कंपटीशन होता है और स्पेस का कंपटीशन होता है। तो जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो इसी वजह से रोनमा होती हैं। तो जो ट्विन प्रेगनेंसी है उसके अंदर एक तो वही कॉम्प्लिकेशन हैं जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी की होती हैं, और लेकिन वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें जो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना और शुगर के जो ज़्यादा होने के इम्कानात हैं वो आम सिंगल ट्विन प्रेगनेंसी की निस्बत 2 से 3 गुना ज़्यादा हैं। इसी तरह से जो आपको स्टार्ट के मंथ के अंदर जो उल्टी और मतली की सूरत हाल होती है, उसका रिस्क भी डबल ट्रिपल है एज़ कम्पेयर टू सिंगलटन प्रेगनेंसी। ब्लड प्रेशर लो होने का, वीकनेस होने का, उल्टी मतली होने का, और इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा फटीक होती है वो आम प्रेगनेंसी की निस्बत ज़्यादा होती है। इसी तरह से ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर अनॉर्मलीज़ का रिस्क, यानी बच्चों की जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उसका रिस्क भी सिंगल प्रेगनेंसी के अंदर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द ट्विन प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल प्रेगनेंसी। अब कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि होली सोली रिलेटेड हैं ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर, तो उनको हम जो है वो जिक्र करेंगे। उसमें एक ख़ास किस्म की कंडीशन होती है जिसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के साथ साथ जिस्म से प्रोटीन खारिज होने लग जाती है, गुर्दों से प्रोटीन निकलने लग जाती है, इसको प्रीक्लैम्पशिया कहते हैं, और जिस्म बहुत ज़्यादा सूजन का शिकार हो जाता है। और ये सूजन जब बढ़ती बढ़ती दिमाग तक जाती है, तो दिमाग की जो हमारी क्रेनियल कैविटी है वो फिक्स्ड है, तो दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों पर प्रेशर होने की वजह से बहुत ज़्यादा सर दर्द का होता है, कंधों में खिंचाव होता है, और बाज़ूकात झटके भी लग सकते हैं, दौरे भी पड़ सकते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन देखा गया है ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा जो हाई रिस्क ट्विन प्रेगनेंसी होती है वो होती है जिसमें दोनों जो ट्विन्स हैं वो एक उसके ऊपर प्लेसेंटा से खुराक ले रहे होते हैं। इनको हमारी ज़ुबान में मोनोकोरियोनिक ट्विन्स कहते हैं, यानी दोनों की जो खुराक वाली नाली है वो एक ही प्लेसेंटा से आ रही है। इस तरह के केसेस में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है ब्लड सप्लाई के डिस्ट्रीब्यूशन का। बाज़ औक़ात एक ट्विन को खुराक ज़्यादा जाना शुरू हो जाती है और एक ट्विन को कम खुराक जाना शुरू होता है, जिसकी वजह से दोनों की ग्रोथ के अंदर डिफ्रेंस आ सकता है। एक के ट्विन जो है वो IUGR हो सकता है, यानी ग्रोथ रिटार्डेड हो सकता है, और एक ट्विन जो होता है वो मैक्रोसोमिक हो सकता है, यानी उसके अंदर जो है वो ज़्यादा जो वेट है उसका ज़्यादा हो सकता है, उसके अंदर गिरत पानी भी ज़्यादा हो सकता है। एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा चैनल्स बन जाते हैं जो कि आउट ऑफ द वे जाके ज़्यादातर ब्लड जो है वो ले जाते हैं एक बच्चे से दूसरे बच्चे की तरफ। इस सूरत हाल में ये होता है कि एक जो ट्विन है वो सुकड़ना शुरू कर देता है, ग्रोथ कम करना शुरू कर देता है, और दूसरे ट्विन के अंदर जिसमें बहुत ज़्यादा ओवर सप्लाई ऑफ ब्लड जा रही होती है उसके हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है ज़्यादा ब्लड को संभालने का, तो वो पेशेंट जो है वो जो ट्विन होता है उसके अंदर हार्ट फेलियर की वजह से कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाते हैं। और दोनों ट्विन जिसके अंदर कम ब्लड जा रहा है वो भी कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाता है, और जिसमें ज्यादा ब्लड जा रहा है वो भी कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाता है। इसके अलावा अगर आप ट्विन्स के अंदर देखा ये गया है कि इनके अंदर बाज़ बाद कुछ पार्ट्स जो हैं वो आपस में फ्यूज़ हुए हो सकते हैं, इनको कंजाइन ट्विन्स कहते हैं, या जो है वो जो दोनों बैक से जुड़े हुए हो सकते हैं, ट्रंक सेम हो सकती है, हेड साइड से जुड़े हुए हो सकते हैं। इन ट्विन्स का जो प्रोग्नोसिस है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया ट्विन्स का आपस में जुड़ा हुआ है।
अगर आपके मोनोकोरियोनिक ट्विन्स हैं, यानी वो एक ही प्लेसेंटा से खुराक ले रहे हैं, तो आपको ज़्यादा एक्सटेंसिव मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमने देखना है कि दोनों को जो फूड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है या नहीं हो रही है। ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर जो एक और कॉम्प्लिकेशन देखी गई है वो ये होती है कि उनकी जो मदर होती हैं उनके अंदर एनीमिया का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दोनों बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा आयरन और बहुत ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होती हैं, जिसको वो मीटअप नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ट्विन प्रेगनेंसी वाली जो मदर होती हैं शी एंड्स अप इन द एनीमिया, और उसके बाद एनीमिया की वजह से जो होने वाली कॉम्प्लिकेशन है खून का ज़्यादा पड़ना और ये चीज़ें हो सकती हैं। ट्विन प्रेगनेंसी में वक़्त से पहले दर्दों का लगना बहुत बहुत कॉमन है, क्योंकि स्पेस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है ग्रोथ की वजह से। तो अक्सर ट्विन्स को देखा यह गया है कि वो 8th मंथ के अंदर डिलीवर हो जाते हैं, और अगर जो 30 वीक से पहले ट्विन्स डिलीवर हों तो उनको नर्सरी में रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अक्सर देखा गया कि 32 या 33 वीक्स के बाद जो ट्विन्स डिलीवर होते हैं उनके जो सर्वाइवल के रेट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होते हैं। नॉर्मली हम 36 वीक्स तक ट्विन्स का वेट करते हैं। ट्विन्स के अंदर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंगलटन प्रेगनेंसी के अंदर। क्यों? क्योंकि दोनों बच्चों का इस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों बच्चे जो है वो हेड डाउन पोजीशन में हों। बाज़ात अगर पहला बच्चा हेड डाउन पोजीशन में है और दूसरा ब्रीच भी है तो हम उसको एक्सपर्ट गायनोकोलॉजिस्ट उसको डिलीवर कर लेते हैं, लेकिन आइडियली देखा यह गया है कि अगर दोनों जो है वो कफैलिक हों यानी हेड डाउन पोजीशन में हों तो उसके अंदर जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। इसी तरह से डिलीवरी के बाद चूँकि यूट्रस ओवर एक्सपेंडेड होता है तो जब बच्चे डिलीवर होते हैं तो वो सुकड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज का रिस्क ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। यूट्रस सुकड़ नहीं पाती क्योंकि वो जगह जहाँ से आवल निकल के आती है वहाँ पर अभी रॉ खुली ब्लड वेसल्स पड़ी होती हैं, तो जब यूट्रस स्क्वीज होती है तो वो ब्लड वेसल्स सुकड़ जाती हैं साथ ही। लेकिन चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस होने की वजह से यूट्रस रिलैक्स रहती है तो वो जो ब्लड के चैनल हैं वो बंद नहीं होते और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने का खदशा होता है। तो लिहाजा ट्विन प्रेगनेंसी की अगर आपको ख्वाहिश है तो आप अपने जहन में ये बात भी रखें कि ट्विन प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, इसके लिए बहुत अच्छी एंटीनेटल केयर चाहिए होती है। इसकी एंटीनेटल केयर क्या करनी है वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।